नमस्ते एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न एज एन एग्जामिनेशन दिसंबर 2008 पेपर टू। क्वेश्चन नंबर 1A। इस क्वेश्चन में प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल है, कंप्लीटेड स्पेसिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स फाइल नहीं है। काइंडली देखिए प्रोविजन 9 सेक्शन 9 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4, उसमें दिया है पोस्ट डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसके ऊपर हमें लिखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 1B। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो सेक्शन 20 में है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, रूल 35 एंड 36 देखिए, एंड फॉर्म 6 एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1C, रिन्यूअल फी के ऊपर है, इसमें एक्सटेंशन मिलता है हमें 6 मंथ का, इसके बारे में लिखना है, जो कि दिया गया है सेक्शन 53 एंड रूल 80 में। क्वेश्चन नंबर 1D, इफ समवन एलिज टू बी एन इन्वेंटर, तो उनको रिक्वेस्ट करना होगा फॉर्म 8 में एंड अप्लाई करना पड़ेगा फॉर सर्टिफिकेशन। ये सारा प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 28 में, काइंडली उसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1E, इसमें एटॉमिक एनर्जी के ऊपर है, विच इज़ नॉट पेटेंटेबल, सेक्शन 4 में है, और बाहर के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 39 में दिया गया है। तो इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करके अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर F, इसमें हम प्रोसीजर समझाएंगे फाइलिंग का, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के ऊपर, कन्वेंशन रूट के ऊपर और PCTA रूट के ऊपर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1G, ये प्री ग्रांट अपोजिशन का क्वेश्चन है, सेक्शन 25(1) देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये बात करता है डिफरेंट फॉर्म्स का और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे इन्वेंशन है रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हम पढ़ते वक्त ही मार्क करते रहेंगे, पॉज करके इन्वेंशन पढ़ लीजिए। एट द टाइम ऑफ रीडिंग हमें मार्क करना होगा डिफरेंट हेडिंग्स जो हमें ज़रूरत पड़ेगा लिखने में। फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, फॉर्म 5 लगेगा फॉर फाइलिंग डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, फॉर्म 9 में आरडी पब्लिकेशन के लिए देंगे और फॉर्म 18 में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए। हम जो मार्क किए हैं एज पर फॉर्म 2 लिखेंगे। और वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन है, इन्वेंशन है रिलेटिंग टू विंड मिल, यहाँ पे भी हमें सेम करना है, हमें मार्क करते रहना है पढ़ते वक्त ही। डायग्राम भी है, डायग्राम सिर्फ समझने के लिए होता है, इन्हें फिर से ड्रॉ नहीं करना है हमें। आंसर हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, जो कि सॉल्व किया हूँ मैं पेपर 2018-16-2013, जहाँ मैंने बता रखा है इन डिटेल्स में कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या लेना है, क्लेम्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, तो ये सब के बारे में वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सारे वीडियो में अगर मैं सेम ही चीज़ बताते रहूँगा। तो ये चैनल नया है, इसीलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।